मेरा नाम मिसेस जल्लू है, पीएससी 600 में सब सेंटर 600 पर ANM की पोस्ट पर काम करती हूँ। मैंने यहाँ काम करते हुए 6 साल हो गए। तो आप लोग एज ए फीमेल हेल्थ वर्कर आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? फर्स्ट जो हमारा होता है MCH केयर होता है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। हम लोग इसमें मदर को बिफोर प्रेगनेंसी से लेकर के आफ्टर डिलीवरी तक हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइडेड करते हैं। जब उसकी शादी होती है तो वो जब आती है फर्स्ट टाइम, तो उसको सबसे पहले 2 साल का गैप रखने के लिए उसको मालैन हो गया या सीसी यूज हो गए, उन सब के मेथड्स के बारे में बताते हैं। अगर वो बच्चा प्लान करना चाहती है तो उसको हम 3 महीने से पहले फॉलिक एसिड की टैबलेट देने के लिए सजेस्ट करते हैं। जब उसको प्रेगनेंसी गेन हो जाती है तो हम आशा वर्कर के थ्रू या अपनी फील्ड विजिट के थ्रू उसको ट्रैक करते हैं, उसको टाइम से हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहते हैं बिफोर 12 वीक्स। उसके बाद में हम उसको TT इंजेक्शन के लिए, आयरन फॉलिक एसिड के लिए, कैल्शियम के लिए, इन सभी के लिए अगर कोई हाई रिस्क है तो उसके बारे में समझाते हैं। ANC प्रेगनेंट लेडी को हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए कहते हैं, किसी भी हालत में घर में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं। आफ्टर डिलीवरी बच्चे के इम्यूनाइजेशन से लेकर के उसको सारी बातें समझाते हैं कि कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी को बचाता है, इंजेक्शन क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से होना चाहिए, सारा सिस्टम उसको सारा बताते हैं। और मेन जो काम है हमारा वो MCH का ही है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, फैमिली प्लानिंग मेथड। ठीक है, तो आप सब सेंटर में क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं? ANC, बर्थ, डेथ और फैमिली प्लानिंग। किसी HVPNC करते हैं हम लोग, हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैक करते हैं और IMNCI रजिस्टर ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फैमिली प्लानिंग मेथड मोस्टली यूज होता है? मोस्टली यहाँ पर CC यूजर्स हो गए या कॉपर्टी हो गए और मालाइन हो गए। कॉपर्टी से ज़्यादा लोग मल्टी रॉड यहाँ गाँव में लगवाना पसंद करते हैं, मल्टी रॉड को ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं। यहाँ पे जो इम्यूनाइजेशन सेशंस होते हैं वो कहाँ पे होती है और एक महीने में कितनी इम्यूनाइजेशन सेशंस होते हैं? यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन है वो हर वेडनेसडे को होता है और आंगनवाड़ी पे होता है। एक दिन में हमें 2 आंगनवाड़ीज कवर करनी होती है और 1 महीने में 4 से 5 इम्यूनाइजेशन सेशन हमारे लगते हैं। जो इम्यूनाइजेशन के लिए जो लोग आने वाले हैं वो लोग को आप कैसे बुलाते हो सब सेंटर्स में? हम लोगों के पास जो बर्थ रजिस्टर होता है, हम उससे उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर जो पिछला इंजेक्शन लगा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ड्यू लिस्ट बनाते हैं। आशा वर्कर के पास भी हमारी ड्यू लिस्ट होती है, तो वो पेशेंट्स को बेनिफिशियरी को बुला के लेके आते हैं और फिर हम लोग उसको इम्यूनाइजेशन। तो आप लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कैसे ट्रैक करते हैं? उनको हम अपनी फील्ड विजिट के दौरान ट्रैक करते हैं। आशा वर्कर हमें जो डेली विजिट करते हैं, आशा वर्कर के पास एक लिमिटेड एरिया होता है, वो अपने एरिया में डेली विजिट करती है। अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसके लिए आप क्या स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करते हो? अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो हम उनको जो है बार बार उनके घर जा करके उनको हर तरीके से समझाते हैं। किसी को खून की कमी है, पहले ही आयरन सुक्रोज वगैरह का इंजेक्शन देंगे। अगर फिर भी इम्प्रूव नहीं होता है लास्ट टाइम तक भी, तो हम उनको सजेशन देंगे कि अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं, बड़े में, जहाँ पर खून की सुविधा, खून देने की सुविधा हो। तो आप लोगों का जो वर्क प्लान होता है वो क्या होता है? वर्क प्लान में हमारा हर हाउस का जो एलिजिबल कपल होते हैं वो आते हैं। एलिजिबल कपल को कौन से फैमिली प्लानिंग मेथड अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, अगर अपना रहे हैं तो कौन से अपना रहे हैं, उनको लास्ट अगर हमने मालाइन दिया है तो कब दिया है, नेक्स्ट कब देंगे, वो सभी उसमें लिखा हुआ होता है। अगर कोई 60 ईयर से अबव होते हैं, अगर उनको BP या शुगर या कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें लिखा होता है। कोई TB पेशेंट होता है तो वर्क प्लान में वो सभी लिखा होता है। 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो वो भी उस वर्क प्लान में होता है। तो आप जब फील्ड में जाते हो आपको क्या क्या चैलेंजेस को मुकाबला करना पड़ता है? तो आज के टाइम में लोग ये सोचते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े, जो भी सर्विसेज हैं वो हमें गवर्नमेंट घर पर ही प्रोवाइड कर दे, BP की है, शुगर की है, यही उन लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मोस्टली ओल्ड एज को ही समझाना मुश्किल होता है कि हॉस्पिटल आइए, दवाई लीजिए। नहीं, वो लोग ये चाहते हैं कि पहले जो डॉक्टर सर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया वही दवाई हमें हर बार ये लोग घर आकर के दे जाए। कोई भी है पेरेंट्स, वो ये चाहते हैं कि लूज मोशंस है या फिर वॉमिटिंग वो जल्द से जल्द बंद हो जाए, तो वो लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर जो दवाई देते हैं वो RS पकड़ा देते हैं, जिनकी टैबलेट पकड़ा देते हैं, उससे हमारे बच्चे को जल्दी से असर नहीं होता। वो क्विक एकदम से फास्ट होना चाहिए कि अभी दिया तो आज ही आज में आराम हो जाना चाहिए,
कि भाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवाई है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है उनको। क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो चैलेंजेस हैं जो आप लोग फेस करते हो? बस यही है कि जो हॉस्पिटल में कई बार ऐसा होता है दवाइयों की सप्लाई कभी कम हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक कोई दवाई नहीं आती है, तो हमें फील्ड में जाके ही सुनना पड़ता है कि हॉस्पिटल में तो दवाई मिलती ही नहीं है कोई भी। डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं वो बाहर के लिए लिख देते हैं, वो बाहर से लेनी पड़ती है। वही अगर गवर्नमेंट अगर सही टाइम से सप्लाई अगर हॉस्पिटल्स में रखे तो लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, अगर उन्हें बाहर से ना खरीदना पड़े तो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर होगा।